उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बागी विधायकों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बीएसपी विधायकों की मुलाकात पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि सपा का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जो कि जग जाहिर है। बीएसपी से निलंबित विधायकों से मिलने का मीडिया में प्रचलित करने के लिए सपा का यह नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैतरेबाजी ही ज्यादा लगता है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि घृणित जोड़ तोड़, द्वेष और जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे यह प्रचलित करना है कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं, घोर छलावा है। उन्होंने आगे लिखा कि जबकि विधायकों को काफी समय पहले ही सपा और एक उद्योगपति से मिली भगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। सपा में अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदारी होती तो अब तक इन्हें अंधेरे में नहीं रखती, क्योंकि इनको यह मालूम है कि बीएसपी के यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत और फूट पड़ेगी, जो कि बीएसपी में आने को आतुर है। जब जाहिर तौर पर सपा का चाल चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ी भी सुधार के लिए वह कतई तैयार नहीं है। इसी कारण सपा सरकार ने बीएसपी सरकार के जनहित के कामों को बंद किया, खासकर भदोही को नया संत रविदास नगर जिला बनाने को भी बदल डाला, जो अति निंदनीय है। वैसे बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचलित करने के लिए कल किया गया सपा का यह नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है।